हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टूडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार विधान परिषद 2020 की जो इंटरव्यू हुई है और जो अभी हो ही रही। दोस्तों, ये आपकी जो है 21 दिसंबर से लेके जो है वह 29 जनवरी 2020 तक आपकी इंटरव्यू चलने वाली है। ऑफिस अटेंडेंट की ये अभी वर्तमान में जो है वह इंटरव्यू चल रही है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेटों का बचा हुआ है इंटरव्यू, प्लीज़ वीडियो ज़रूर एक बार पूरा देखें, क्योंकि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। एक तो आपको जो है ये पता चल जाएगा किस लेवल की वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रही है, क्या क्या क्वेश्चन पूछी जा रही है, और साथ में अगर पर डे आप देखते हैं तो आपकी जो है वह क्वेश्चन की रिवाइज भी हो जाएगी। और दोस्तों, मैंने जो है वह कुछ टाइम पहले ही जो है वह आज की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें स्टूडेंटों के द्वारा मिली है वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड भी करा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी यूनिक सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और इस वीडियो में भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आज से पहले जो है इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिली है। तो क्या होता है, इस तरह की क्वेश्चन तभी पूछी जाती है जब स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्वेश्चन जो वहाँ से इंटरव्यू जो लेते हैं, एग्जामिनर के पास कोई सवाल और बचता नहीं है, तो इस तरह की क्वेश्चन उन जो है आपसे की जाती है। तो आगे चल के तो मैं वो सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगा ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको बिहार विधान सभा और परिषद की दोनों की जो है पल पल की अपडेट देते रहते हैं, और भी सारी जो है वह वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। बिहार मंत्रिमंडल के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया है वो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि बिहार मंत्रिमंडल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहला आज का क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। दोस्तों, बिहार की जो है वह राष्ट्रीय पशु जो है वह यहाँ पे जो है टाइपिंग में देखिए मिस्टेक हो चुका है। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, यहाँ पे जो है वह होगा बिहार का जो है वह राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी बैल, ठीक है। बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है, और आप सभी को जो है ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं और याद आप तो को रखनी ही है। अगर इस सब का अगर सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पाते हैं तो सोचिए एग्जामिनर जो है वह किस तरह की बात आपसे जो है बोल सकते हैं। तो इस चीज़ों पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे जो है वह राष्ट्रीय जो है वह अगर पुष्प पूछा जाए यानी कि फूल पूछा जाए तो आप वहाँ पे गेंदा बता सकते हैं। अगर आपसे जो है वह पूछा जाए कि राष्ट्रीय जो है मिठाई क्या है बिहार का, तो आप बता सकते हैं जलेबी, ठीक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बतावें। जैसे आप वहाँ पे जाते हैं तो आपसे तो आपका नाम पूछा जाता है, ठीक है, पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो भी पूछा जाएगा। हो सकता है तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ के जो है वो MLA का नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि वो MLA जो आपके यहाँ से जो जिन्होंने जीत हासिल की है वो किस पार्टी से हैं। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएगी। तो आप जो है क्वेश्चन याद करते हुए जो है इन चीज़ों पे भी जो है आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपसे किसी भी तरह की जो क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे छूट ना पाए और एग्जामिनर को जो वहाँ पे मौका ना मिले आपको जो है बाहर निकालने का, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रेजुएशन का जो स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट को याद रखना है ग्रेजुएशन का स्पेलिंग क्या होता है, GRADUATION, ठीक है। ग्रेजुएशन आपसे जो है ऑफिस अटेंडेंट का पूछ लिया जाएगा, या आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं उसका पूछ लिया जाएगा, या आपने जो है वह ग्रेजुएशन में कौन से जो है आपका जो विषय था वो सब टॉपिक पे जब बहस छिड़ेगी यानी कि बात होगी तो उन सभी चीज़ों में से किसी का एक स्पेलिंग पूछ लिया जाएगा। अभी देखिए क्या है कि पहले जो इंटरव्यू होती थी उसमें आपसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़वाया जाता था, क्योंकि उस टाइम जो है वह कोरोना वायरस का जो है यहाँ पे वह इतना खतरा नहीं था। लेकिन अब जो है कोरोना वायरस के वजह से जो है काफ़ी डिस्टेंस पे जो है वह कैंडिडेट और जो इंटरव्यू लेते हैं उनको रखा जाता, करीब जो है 2 से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे आपको रखा जाएगा। तो इसलिए जो वहाँ पे आपसे पेपर तो नहीं पढ़वाया जाएगा अब, लेकिन आपसे जो है यही किसी चीज़ों का स्पेलिंग पूछ लिया जाएगा और काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का एक दोस्तों का सवाल था कि इंटरव्यू जो है कितने मिनटों के लिए लेता है और कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सभी को यह चीज़ पता होगा। वो जो है वह इंटरव्यू जो लेते हैं एग्जामिनर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे जो है वो कितना क्वेश्चन कर पाएँ। अगर लगातार आप जो है 1 से 2 अगर सवालों का जवाब अगर आप नहीं देते हैं तो आपसे जो है वो आगे का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे,
आपको बोल देंगे, आप जा सकते हैं। अगर आप लगातार जो है अगर क्वेश्चन का आंसर देते रहें तो ज़रूर आपसे जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन है कि आपकी जो है माता जी वो क्या करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, ऐसी क्वेश्चन जो आज से पहले नहीं पूछी गई थी, या पूछी भी गई होगी तो हमारे पास नहीं आई है। एक कैंडिडेट थे सिवान से, ठीक है, उनसे मैंने जो बात किया तो उनका जो यहाँ पे प्रतिक्रिया आई आई और क्वेश्चन जो उन्होंने बताया, उनका नाम था विकास कुमार, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ। अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उनका जो है नंबर देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अगर आपको बात करना हो तो उनसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनसे जो क्वेश्चन पूछी गई थी कि आपका जो है माता जी क्या करते हैं, ठीक है, अगर आपके माता जी किसी फील्ड वर्क में काम करते तो वो काम के बारे में बता सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके माता कुछ नहीं करते तो आप कह सकते हैं हमारी माता जो है यानी माँ जो है वह हाउस वाइफ है, ठीक है, गृहिणी है, ये भी आप बता सकते हैं हिंदी में, और हाउस वाइफ इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं। इन दोनों में से जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके माता जी अगर नर्स हैं या टीचर हैं या किसी जो है वो ब्लॉक में काम करते हैं, किसी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट में, तो आप बेझिझक वहाँ पे जो है उस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पूछा गया था नेक्स्ट कि आप जो है अपने माता के बारे में जो है 5 लाइन बताएं। देखिए एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि आप जो है बिहार विधान परिषद के बारे में क्या जानते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिहार यहाँ पे जो है बिहार का नाम नहीं लिया गया था, सिर्फ बताया उनसे पूछा गया था कि आप जो है वह विधान परिषद के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में बताएं। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए कहा गया है, ये जो है जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें जो है ये बस ये चेक करना होता है कि जो कैंडिडेट का हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितने जो है अच्छे तरीके से जो किसी चीज़ों के बारे में वह बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दर्शाती है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो है अपने माता के बारे में जो है वो 5 लाइन बताएं, जो भी इनकी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं वो जो है वह बता सकते हैं कि आपकी माता जो है वह किस तरह से हैं और क्या करते हैं, या जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, ठीक है। बिहार के वर्तमान में जो है वह जल संसाधन मंत्री तो विजय कुमार चौधरी हैं, ठीक है। अगर ही आपसे ये भी पूछा जाए, जैसे ही ये क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं श्री विजय कुमार चौधरी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनसे पहले जो है वह इन्हें कौन सा पद मिला था, तो आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में ये जो है वह स्पीकर थे, ये जो नई चुनाव हुई है उससे पहले। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है बिहार के जल संसाधन मंत्री, ठीक है, एक जो है लघु जल संसाधन मंत्री होता है, ठीक है, एक जो है आपका लघु जल संसाधन मंत्री होता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आप लोग फंसिएगा मत। यहाँ पे देखिएगा जल संसाधन मंत्री और लघु जल संसाधन मंत्री, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो जल संसाधन मंत्री वर्तमान में विजय कुमार चौधरी हैं। अगर बात करें जो लघु जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको बता दूं तो ये जो है श्री संतोष कुमार सुमन जी हैं। कौन है दोस्तों? श्री संतोष कुमार सुमन, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इन दोनों में डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई उल्टा सीधा जवाब जो है मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बक्सर का युद्ध जो है वह 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये युद्ध किस किस में हुआ था, तो ये जो है युद्ध अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेज ही जो है वह जीता था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जा सके कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो इसी ईस्वी के अगल बगल जो है यहाँ पे आपको कुछ ईस्वी आपको ध्यान रखना होगा, जो 700 यहाँ पे जो है 73 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, और 1700 जो है वो 57 ईस्वी में, ठीक है, 1757 ईस्वी में जो है यहाँ पे वह पलासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पलासी का युद्ध 1757, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना भी जो है वह 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1774 ईस्वी में। तो ये जो है एक क्वेश्चन से जो है लगभग आपके जो है वह अगल बगल काफ़ी सारी जो है यहाँ पे वह क्वेश्चन निकल के आती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि 1774 जो यहाँ पे 74 ईस्वी में हुई थी पटना उच्च कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, तो प्रथम जो है न्यायाधीश कौन थे, तो आप कह सकते हैं सर एलिजा हेम्पे जो थे वह वहाँ के पहले जो है वह न्यायाधीश थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक
है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में बताई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आज जो है बस डेट के बारे में बात करते हैं, 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है वह बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार का जो है गृह मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर आपने मंत्रिमंडल का जो है वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बिहार का जो है गृह मंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो आप जो है श्री नीतीश कुमार जी के बारे में बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि श्री नीतीश कुमार जी जो हैं ये जो है 2020 के जो ये जो नई चुनाव हुई है इसको लगा के जो है अभी तक कितने बार जो है वह मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो आप बता सकते हैं 7 बार। और मैंने इसी के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो है गवर्नर पूछे या राज्यपाल पूछे तो आप कह सकते हैं श्री फागू चौहान जो है बिहार के नए राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता जो है वाला जिला कौन सा है? साक्षरता दर वाला जिला ऐसे भी हो सकता है, तो आपको बताना है किशनगंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल आपसे जो है वह साक्षरता पूछा जाए बिहार का जो है वह साक्षरता दर कितना है, तो आप कह सकते हैं 61.80%। ठीक है, या 61.80% जो है 80%, ऐसे भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो है शरद अरविंद बोबडे जो है 2019 में बनाए गए थे। ठीक है, जो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, वो 47वें जो है वह मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे जो है जीएसटी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा, देखिए गुड लिखा गया है यहाँ पे, जो टाइपिंग में मिस्टेक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। ठीक है, गुड्स एंड जो है वो सर्विस टैक्स होगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का पूर्ण रूप है। कब पूरे भारत में लागू हुआ था आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान राज्यपाल वह आनंदीबेन पटेल है, और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री आदित्यनाथ जो है वह जिसे हम योगी भी कहते हैं वो यहाँ के जो है वह मुख्यमंत्री हैं। साथ में अगर बात करें आनंदीबेन पटेल की, तो आनंदीबेन पटेल जो है वह मध्य प्रदेश का भी जो है वह राज्यपाल हैं, अतिरिक्त प्रभार जो है इनको मिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो आप सभी को पता होगा भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, श्री राजनाथ सिंह जो है वह भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है? आप सभी को पता है बिहार के वर्तमान में जो है वह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी को मिला है, और श्री तारकिशोर प्रसाद जी जो है वह डिप्टी यहाँ पे सीएम है बिहार के, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार में दो दो जो है वह उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखते हुए और अच्छे से जो है आप चाहे तो नोट भी करिए, और नोट करते हुए इसे जो है याद भी कीजिए। कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छूटता है तो आपकी जो है वह 99% जो है चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने में जो है वह कमी आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे जाते जाते आप सभी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा कीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।